भाई केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में आई थिंक हम ऑडियंसेस पे छोड़ते हैं, व्यूअर्स पे छोड़ते हैं। आप लोगों ने अभी अभी वीडियो देखा तो आप लोगों का फीडबैक देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत एनकरेजिंग लगा। क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वी आर कॉन्फिडेंट कि व्यूअर्स को भी अच्छा लगेगा ही लगेगा। केमिस्ट्री उन पे ही छोड़ देते हैं, वो देखेंगे एंड वही हमें फीडबैक देंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम अपना बेस्ट दें एंड ट्रस्ट मी, हमने अपना बेस्ट दिया है। बहुत मेहनत की है, बहुत ही पैशनेटली यू नो काम किया है, इस वीडियो में शूट किया है। तो बाकी सब कुछ ऑडियंसेस के हाथ में, ऑडियंस इज द किंग, ऑडियंस इज द किंग, दैट्स ट्रू। एंड या आई वुड लाइक टू जस्ट से द सेम कि हमने बहुत मेहनत करी है। आई थिंक हम पहले भी बता ही चुके हैं कि एक दिन में हमने वो पूरा डांस सीक्वेंस रिहर्स किया था एंड देयर वर 3 सीक्वेंसेस व्हिच वी रिहर्स्ड। सो अब आप सोच ही सकते हैं कि वो कंटेम्प्रेरी सीखने में, लिप्स करने में, मतलब क्या जान गई थी हम लोगों की, ओनली वी नो। बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी कैन क्रिएट समथिंग सो नाइस एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट यू ऑल आर लाइकिंग इट। लाइक आई एम ऑलरेडी रिसीविंग द रिस्पॉन्स एंड इट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। केमिस्ट्री के बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जब हम शूट कर रहे थे ना, शूट से पहले एक दिन हमने रिहर्स किया, तो पूरा दिन हमने रिहर्स किया। सो उसमें मुझे यू नो काफ़ी डांसिंग है, काफ़ी स्टंट्स है, लिफ्ट्स है, तो अच्छी चीजें बतानी है वहां से केमिस्ट्री बिल्ड हुई ना। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चोट लग गई मेरी वजह से, आई एम सो सॉरी। मतलब एक पंच लगा, एक थप्पड़ पड़ा, एक थप्पड़ बस, एक थप्पड़, तो वहां से केमिस्ट्री बिल्ड हो गई। ये सिर्फ हमने डांस में, हमने वीडियो में हमने देखा कि एक वीडियो में ये छोड़ भी देते हैं। हां वो कैसा था उसके बारे में बताइए। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम डे 1 टिल डे 4 इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। That was एक बार भी नहीं गिरा, एक बार भी नहीं गिरा। वो एक्चुअली वो सीन की रिक्वायरमेंट थी कि मैं इतना डिस्टर्ब हूँ सिनेरियो से, सिचुएशन से, उस सर्कमस्टेंस ऐसी थी कि मेरे सामने मेरी एक्स गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ जा रही है और उसे और एग्जैक्टली म्यूजिक वीडियो में क्या होता है ना, डायलॉग्स नहीं होते, राइट? ज़्यादातर डायलॉग्स नहीं होते हैं, आपको आँखों से और एक्सप्रेशन से इमोट करना होता है, फेस से इमोट करना होता है, बॉडी लैंग्वेज से इमोट करना है। तो मेरा वही था, वही मेरा यू नो ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब ओ माय गॉड के बाद मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना है, तो वो वैसी सर्कमस्टेंस थी, ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो गिर जाती है मुझसे। दैट वाज एन एक्ट, इन्होंने मुझे कभी नहीं गिराया, रिहर्सल में भी नहीं गिराया। दैट इज द रीजन वी कुड डू सो मेनी लिफ्ट्स एंड आई ट्रस्टेड हिम। लाइक हमने कुछ स्टांसेस भी किए थे प्रैक्टिस, तो वो ऐसे थे कि मैं गिर भी सकती थी, चोट भी लग सकती थी, बट आई ट्रस्टेड हिम, इट जस्ट केम इजी, ही इज अ गुड पर्सन। बातें तो यार होती रहेंगी, आई थिंक शादी से पहले भी होती है, शादी के बाद भी होती है। बट पूनम मेरी फियांसे है, 2018 फरवरी से हम लोग एंगेज्ड है एंड विद गॉड्स ग्रेस हम लोग बहुत खुश है। वो भी आती होगी 10 मिनट में, तो जब वो मेरे साथ यहाँ बैठेगी तो आपको पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश है एंड बहुत जल्द हम लोग डेट भी रिवील करने वाले हैं। यस 2021 में, ये मैं अभी आपको कि इसी साल शादी हो जाएगी, ऐसा शादी नहीं हो रही है। आई थिंक वो बहुत टाइम लगा दिया ना हमने, इसलिए तो लोगों को शक हो गया। कोई बात नहीं, अभी 10 मिनट में सबका शक जो है वो नहीं, नहीं पृथ्वी सिर्फ ऑन स्क्रीन ही यू नो, ये पृथ्वी का पी भी नहीं है, लेट मी क्लियर दैट यू गाइस। मतलब आई या माय रिएक्शन टू हिम, मतलब आई हैव टोल्ड हिम दिस कि यार इन रियल लाइफ यू आर समबडी एल्स, मतलब एज एन एक्टर यू Hey,
एज एन एक्टर जैसे कुछ चीज़ें होती है जो आप नोटिस करते हो कि इनकी पृथ्वी की जो पर्सनैलिटी इज लाइक वेरी लाउड एंड आवाज़ ऐसे उठी रहती है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है. आई हैव टोल्ड हिम ऑल ऑफ दिस बट इन पर्सन ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन. ही इज सो काइंड, ही इज सो हम्बल एंड ही इज सच अ जेंटलमैन एंड सॉफ्ट. सुन रहे हैं? हाँ, काफी प्यार से धीरे से बात करता है. मैंने कहा तुम ही हो ना जो पृथ्वी पे करता है. हम सोच सकते कि अगर आपके लिए अलग रोल अलग कुछ खुल जाएंगे क्योंकि गाने में काफी आपने देखिए मैं तरफ से काम किया आपने. मैं बहुत टाइम से कुछ ऐसा करना चाहता था बिकॉज यू नो मैं हमेशा से मेरा ये मानना था कि मैं टाइपकास्ट नहीं हो सकता. क्योंकि जब मैंने कुंडली भाग्य का शूट स्टार्ट किया था उसी वक्त से मुझे ये फीडबैक मिलता रहा है कि आप विलन की तरह नहीं लगते हो. बट फिर भी ऑडियंसेस ने यू नो एक्सेप्ट किया, बहुत प्यार दिया, टैग दिया विलन हीरो, विलन हीरो. तो मेरे लिए ये जो पूरी जर्नी है 4 साल 1000 एपिसोड की, वो बहुत ही सरप्राइजिंग रही है, बहुत ही मैजिकल रही है. मतलब हर दिन मुझे शॉक पे शॉक मिलता जाता है, ऑडियंसेस मुझे शॉक करते हैं रिएक्शन से. सो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो पृथ्वी से अलग है, कुछ ऐसा करूँ जिसमें मैं पृथ्वी दिखूँ ना, पृथ्वी का पी भी ना हो. तो जो लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ एक विलन नहीं है, ये एक हीरो का रोल भी कर सकता है, ये मेरी तरफ से उनको गिफ्ट है तेरे बारे. गिरती है गिराती है मतलब गाने में गिरती है गिराती है, थप्पड़ मार दी है, पंच मार दी है और फीट पे लैंडिंग कर दी है. नहीं, दिस इज ओह नो 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 यार, गांधारी कुछ अलग ही था और ये कुछ अलग ही है. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस स्टिल बिकॉज लोगों ने मुझे हमेशा हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल शोज में देखा है. सो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा मौका था टू शो माई रियल सेल्फ, यू नो माई प्रेजेंट सेल्फ थोड़ा. एंड आई ट्राइड कि हालांकि मेरा कैरेक्टर नेगेटिव है बिकॉज मैंने बेचारे का दिल तोड़ा है, बट आई ट्राइड कि जहाँ पे इनके साथ जेन्युइन मोमेंट्स थे आई कुड सी द जेन्युइन साइड ऑफ दैट कैरेक्टर. एंड of course everybody has their own story, my character had my own story, why did I move on, why did I break his heart, but my whole point was ki ye modern mahabharat modern gandhari nahi hai, ye riya ka ek kirdaar hai. gandhari to khair mere liye bhi bahut challenging tha because 4 saal se main logo ka dil todta aa raha hu aur finally mera dil toot gaya. oh I got to to tere bare ek aisa song hai जो हर कोई रिलेट करेगा, हर कोई गाएगा, हर कोई हर किसी को डेडिकेट कर सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को, तेरे बारे कोई किसी के लिए भी गा सकता है, कहीं भी यू नो इस गाने को बजा सकता है. एंड बहुत ही प्यारा सा सूदिंग हार्ट ब्रेक रोमांटिक सॉन्ग है. बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये. इट्स अ मिक्सचर ऑफ हिंदी पंजाबी एंड रैप, मतलब इसमें सारे इंग्रीडियंट्स हैं. So I think it's a beautiful song and I just wish and hope ki audiences ko pasand aaye. You will listen to this song and I have been to a time where I was listening to this song and it was soothing, it was nice, it was a good feel, but actually it's a heartbreak song. After a while it changed, the song changed for me and one night I was listening to it and I was like yaar mujhe thoda upset feel ho raha hai. So this song has its own magic. शायद आप उसको जितनी बार सुनोगे, it has its own layer. So मुझे लगता है कि लोग ये repeat पे सुनते रहेंगे और it'll just grow on you, like it has grown on us. Thank you so much. बहुत soothing था, बहुत मज़ा आया और ये song ऐसा है जो actually बहुत दिल को छू लेने वाला song है. और स्पेशली संजय और रिया की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है. उन्होंने मतलब एज अ फ्रेंड मैंने संजू का डांस सबसे पहले मैं डांस का वेट कर रहा था कि एक स्टेप देखूं एंड आई वाज सीरियसली सरप्राइज्ड. इज अ फैबुलस डांसर. एक्चुअली मैं बहुत टाइम से संजू को बोल रही थी, मैं कहा सब लोग इतना वीडियोस कर रहे हैं तो व्हाई डोंट यू डू अ वीडियो एंड सच अ ग्रेट स्टार्ट. एक्चुअली आई वाज अमेज्ड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, beautiful chemistry between both of them and I love the lyrics, music, everything was so nice and it was shot very fantastically.
So, and actually, Sanju is like my best buddy. So, watching him dancing also, yeah it was like a Sonipa Suhaga type of thing. So, it was a surprise also. And I love the song. Let's do a step. Yeah. So, it was really nice. यार ये सॉन्ग एक्चुअली ऐसा है कि हर किसी की लाइफ में ना ये मोमेंट कहीं ना कहीं आया ही है. सो ये सॉन्ग जो भी देखेगा और डजंट मैटर कौन सी एज का है, हाँ 18 साल के ऊपर का नहीं बोल सकता, 18 साल के बाद का बोल सकता हूँ, हाँ उनको डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करेंगे इस सॉन्ग को लेकर. I don't want to get into past, you know. I don't want to go there, but definitely ye gana sunke kuch yaadein zarur definitely har kisi ko yaad aa jayengi because lyrics hi aise hai, kya kar sakte hain. हाँ मतलब इनकी बात भी सही है, घोड़ी की तरह सिर्फ आगे देखो पीछे देखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ सॉन्ग बहुत अच्छा था. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई थिंक मैं हर किसी को यही बोल रहा हूँ यहाँ पर कि एक ऐसा सॉन्ग है कि जो हर कोई रिलेट करेगा. And lyrics are amazing, voice is beautiful, visuals are amazing, and Sanjay Bhai has done a brilliant job. His expressions to dance, everything is so perfect, and Riya Devsi did a brilliant job as well. I mean, I'm meeting Riya after like ages, and all thanks to Tere Bare. Yes. Very nice, very melodic song, and बहुत अच्छा performances हैं सबके. Singer भी बहुत अच्छे हैं. I'm myself a playback singer, so I can relate to the song and बहुत ही प्यारा, बहुत ही दिल से गाया है, तो बहुत अच्छा लगा. और congratulations to the entire team and I wish कि जल्द से जल्द गाना एकदम 100 million cross करे और हम लोग 100 million party भी celebrate करें. हर कोई करता, आप भी करेंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी करेंगे, ये सारे कैमरामैन भी करेंगे, बता रहा हूँ मैं. यू नो इस सॉन्ग की यूएसपी यही है कि हर कोई रिलेट करेगा. दैट्स व्हाई यू नो इसके पीछे रीज़न यही मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग. आप एक बार सुनोगे आई थिंक सो आप रुकोगे नहीं, आप दूसरी तीसरी बार भी सुनोगे. सो व्हाइल कमिंग डाउन हियर आई वाज लिसनिंग द यू नो सॉन्ग इन द कार, रिपीट पे लूप पे तीन बार सुन चुका हूँ वो सॉन्ग. एंड विजुअल्स मैंने देखे नहीं थे तब तक, एंड यहाँ पर आके विजुअल्स देखने के बाद आई वाज लाइक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली. एंड एक्चुअली जो वीडियो है एंड जो लिरिक्स है तेरे बारे, हर कोई मुझसे पूछे तेरे बारे, सो आई थिंक हर किसी ना किसी की लाइफ में एक ऐसा एक क्रश होता है, प्यार होता है कि जिस जो हमारा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं ये सॉन्ग आपको अपने उस क्रश, उस गर्लफ्रेंड, उस बॉयफ्रेंड की याद दिलाएगा. सो डू वॉच इट. I was just talking to him. I saw his video. जो ये उस टाइम करा रहा था, मैं मतलब सातों आसमान बिल्कुल. हाँ, मैंने एक वीडियो भी डाला है इनका. So he didn't know कि इतना पेन होने वाला है. So मैं it's a very weird thing. मैं I'll be very honest with you. तो मैं कुछ भी करता हूँ. Life में मतलब जो एक बार दिल दिमाग में चढ़ जाए मैं कर लूँ. It's a one life. पता नहीं कल हो ना. ऐसे कुछ नहीं, रात को सोया, सुबह उठा, दिमाग में आया कि ऐसे नोज पियर्सिंग बनाऊं. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सो आई एम अ बिग 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 फैन ऑफ फॉर्मूला वन. सो द वर्ल्ड चैंपियनशिप लीडर लुइस हैमिल्टन हैज़ अ नोज पियर्सिंग, तो देख के ऐसे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया ना, चल यार जाके करवाता हूँ. जिस इस कारण घर वालों को मनाना भी पड़ा, मम्मी नाराज़ हुई, फिर मना दिया. बट यस, मुझे पता नहीं था कि बहुत पेन होगा. No, but it's suiting him. He's looking nice. Thank you. Yeah. अच्छा लग रहा है. 80% लोगों ने बोला कि अच्छा लग रहा है, फिर 20% बाकी ऐसे ऑडियंस बोल रही है कि पता नहीं क्या लड़कियों वाले शौक पाल लिए. मतलब लड़कियों वाले शौक क्या है इसमें, मुझे ये बताओ. आई मीन आजकल हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, फेमिनिज्म डजंट मीन जस्ट फॉर द लाइक फीमेल्स, इट मीन्स इक्वालिटी. आई मीन अगर तुम ऐसी बातें करोगे भाई यार डूब मरोगे तुम जाकर, सॉरी. बट यस, आई फील इट्स जस्ट डू व्हाटएवर यू फील लाइक इन लाइफ, क्या पता कल होना हो. Now I'll be very honest with you, I've seen two episodes till now and yes, I'm pretty surprised to see Karan Johar doing Bigg Boss OTT apart from Coffee with Karan, and it's like, you know, a treat to your eyes while watching him. And matlab expecting, you know, aap jo umeed laga ke baithe the usse bhi upar kafi sare, you know, cheeze ho rahi hai OTT pe. But yes, it's great.
बिग बॉस अभी तक फॉलो नहीं किया, बट जो क्लिप्स ऑनलाइन चलती रहती है मैं उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंगली फॉलो करती हूँ, बिकॉज फ्रैंकली अभी OTT पे है तो फुल टाइम आपको नहीं मिलता और आप कुछ ना कुछ मिस कर देते हो. सो इंटरनेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि जो भी लाइक क्लिप्स देखने वाले होते हैं आप वो देख लेते हो. सो आई सॉ कि अभी करण और दिव्या का कुछ ना कुछ हुआ है झगड़ा, कुछ जवाब दिए गए हैं. सो आई रियली लाइक दैट. बिग बॉस इज़ ऑलवेज एंटरटेन. Yeah, I'll be very honest with you. I'll be a little biased over here. So Urfi was one of my favorite, to be very honest, because she's my friend also. But again, she's out. So it doesn't mean ki matlab she's in like a strong contender. She is definitely a strong contender. But jo strong contender hota usko pehle bahar kar dete ye log. But yes, so abhi dekhte kaun favorite banta hai kaun nahi. I like Divya. She's very upfront aur bahut kuch like bol deti hai. Uske baad mein theek hai, but I think she's playing well. थैंक यू सो मच. गाना तो बहुत अच्छा है एंड मैं एक बात कहना चाहूँगा कि संजय ने इस गाने के लिए बहुत मेहनत की है एंड हम लोग एक ही शो में काम करते हैं एंड एक ही रूम में बैठते हैं तो बहुत टाइम से ये बोल रहा है कि जो उसकी ऑन स्क्रीन इमेज है एक विलन की, ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एज अ हीरो. एंड जब भी म्यूजिक वीडियो आई और उसने मुझे दिखाया इनिशियली कि क्या है थीम एंड ऑल, तो वो जितना एक्साइटेड था वो मेरे से ही बोलता है एंड आई वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर हिम. उसने अपने बाल चेंज किए, लुक चेंज किया, उसमें हीरोइज्म भी है. सो आई थिंक ये जो सॉन्ग है उसके इमेज के लिए एक डिफरेंट पर्सनालिटी दिखाएगा एंड आई विश हिम ऑल द लक फॉर दिस सॉन्ग. वेरी ट्रू. मुझे भी सेम लगता है बिकॉज आई हैव नोन हिम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड उनका वो खलनायक साइड से मैं तो बहुत डरती थी टू बी ऑनेस्ट, बट after watching the song I think he is a very, he has come out to be a very romantic hero kind of a person and he is very excited. He was excited for the song since such a long time and I loved the song, especially because it's a heartbreak song jo lagta nahi heartbreak song hai and it is something you can relate to. So we all can relate to. Yeah, we all actually. Heartbreak is something everyone can relate to. Chahe wo bachcha bhi kyun na ho, chahe wo boodha bhi kyun. But every day Sanjay has mentioned, yeah, mera gana aa raha hai 27 ke liye, main bahut excited hu, bahut excited hu. I'm nervous also. So jo excitement hai aaj main Rishabh mila hu to dikh rahi hai wo. Ek happiness aur jo sari emotions hai. तो बनता है यार, उसने बहुत मेहनत की है इस गाने के लिए एंड पूरी टीम के बारे में बता रहा था कि बहुत अच्छे से शूट किया हम लोगों ने, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत प्यार मोहब्बत लगा के. सो आई एम श्योर ये जो रिजल्ट है इनको बहुत सक्सेस देगा. आ जाओ भाई, आप बीच में आओ. नहीं, इनको कुछ नहीं बोलना, मोइन भाई है हमारे, उनको कुछ नहीं बोलना है, वो उनको सब चलता है. तू वापस जा क्रॉस करके, देखो सब माफ है, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें. यार आप और अब मेरे बारे में तो नहीं पूछने वाले अभी, देखो लगा था यही मेरे पे आ रहे हो. यादें तो बहुत हैं. हार्ट ब्रेक हुआ है, क्यों नहीं है, झूठ क्या बोलना है इसमें, हुआ है हार्ट ब्रेक, डेफिनेटली हुआ है. आई थिंक सबका ही होता है. हम गाड़ी में आ रहे थे, ये बात कर रहे थे, तो जो गाड़ी में हमको लेके आ रहा था उनका भी हो चुका है. आई थिंक एवरीवन हैज अ स्टोरी ऑफ दीज थिंग्स. तो हो गया, कोई बात नहीं. लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अनदर अपॉर्चुनिटी. एवरी टाइम लाइफ गिव्स यू विद मोर अपॉर्चुनिटीज. आई थिंक अगर आपका एक बार हार्ट ब्रेक होता है उस टाइम के लिए ऐसा लगता है, स्पेशली व्हेन वी आर यंग, लाइक 25 के पहले ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म है, बट ऐसा नहीं होता है. एंड आई थिंक आजकल तो बहुत ही कॉमन हो गया. और हार्ट ब्रेक ऐसा ज़रूरी नहीं है जस्ट आपके लव पार्टनर से आपको मिले, लाइक फ्रेंडशिप में भी यू नो समवन कैन ब्रेक योर हार्ट. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न व्हाई इट्स सो रिलेटेबल. आई थिंक कोई और सॉन्ग्स से ज़्यादा हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स ही चलते हैं. मुझे तो हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स बहुत पसंद है टू बी ऑनेस्ट. तुम्हारा दिल ना टूटे. नहीं नहीं, टूट चुका है अब ना. बस अब ना टूटे. मैं फॉलो तो नहीं कर पा रही हूँ, आज मैंने बहुत कम देखा. मैं सबके नाम में भी कंफ्यूजन हो रही है मेरे को, बट आई थिंक आई लाइक दिस गर्ल मुस्कान. मूज आई लाइक हर.
मैंने बहुत ही कम देखा, आज ही देखा मैंने कुछ कुछ टिट्स एंड बिट्स, बट आई रियली लाइक मूव्स मुस्कान. या मैंने नहीं देखा यार बिग बॉस इस बार, ये जेन्युइन नहीं है, ये सिर्फ मेरे टाइम देखे थे. मैंने ही बोला यार आई विश हिम एंड द एंटायर टीम ऑल द लक एंड यार दैट्स इट यार, उसको पता है कि मैं उसको क्या कहना चाहता हूँ, सो मैं उसको बोल चुका हूँ वो चीज़. हाँ यस, इनको भी बोल दो ये क्या बात होती है, बता दिया ना जो भाइयों वाली बातें होती हैं. द आइडिया इज टू कीप गोइंग ऑन यार, आई टेल दिस टू माय सेल्फ एंड आई विश मोर एंड मोर सॉन्ग्स टू हिम एंड आई एम श्योर लोगों को फिल्म सीरीज बहुत कुछ सब कुछ मिले. दैट्स फॉर हरे कृष्णा एंड आई थिंक एज अ फ्रेंड ब्रदर्स के लिए विश हिम, या दिस इज गोइंग टू डू ग्रेट फॉर हिम फॉर श्योर. थैंक यू. हिसाब से आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. और रहा संजय का, संजय को तो मैं कम से कम पिछले 10-15 सालों से जानता हूँ एज एन एक्टर, एज अ फ्रेंड. और जो संजय टेलीविजन में करता है नेगेटिव रोल्स, उससे उसने हटके किया इस वीडियो में, और बहुत ही मतलब लाइक अ हीरो मटेरियल. और क्योंकि मैं कास्टिंग करता हूँ तो मेरे लिए एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव था संजय को एज एन एक्टर देखने के लिए, तो आई थिंक इट वॉज वेरी गुड. इवन रिया ने बहुत अच्छा काम किया है, दिशांत ने भी अच्छा काम किया है, ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड म्यूजिक वीडियो. मैंने गाना अभी पूरा नहीं देखा है, मैं सच्ची सच्ची बोलूँगी, लेकिन मैंने टीज़र ऑफ कोर्स देखा था और संजय ने मेरे साथ काफ़ी चीज़ें शेयर की हुई हैं गाने के बारे में. सो आई नो इट्स अ हार्ट ब्रेक एंड इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, और जो मैंने टीज़र देखा था और थोड़ा सा उसने मुझे क्लिपिंग्स भी दिखाई थी जब हो रहा था, तो इट्स अ रोमांटिक नंबर, इट्स अ मेलेडी. सो आई लव मेलेडी, मैं तो पुराने गानों को ज़्यादा सुनती बिकॉज उसमें मेलेडी होती, सो आई फेल द मेलेडी इन इट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू रॉक बिकॉज संजय इज़ अ गुड परफॉर्मर. वो वहाँ पे भी रोमांस करता है प्लीज, वो उसको मौका लगे तो प्रीता के साथ और शर्लिन के साथ और कि जिसका भी और भी बीच में आ जाए कोई उसके साथ भी वो रोमांस कर सकता है. और अभी तो उसने शादी भी कर ली है उसके साथ कृतिका के साथ, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर करता है वो, ही प्लेज इट वेरी वेल. और उसका बस चले तो एट द सेम टाइम जैसे कृष्ण जी की तरह वो बहुत सारे उसके मतलब सबके पीछे वो ऐसा रहता है, तो पर नेगेटिव कैरेक्टर है, बहुत अच्छे से करता है, इज़ अ हार्ड वर्किंग एक्टर एंड इट्स नाइस टू सी हिम इन अ डिफरेंट अवतार इन अ रोमांटिक नंबर. एंड आई ही टोल्ड मी दैट ही इज़ लाइक यू नो रियली प्रैक्टिस फॉर डांस एंड ऑल एंड ही इज़ डांस्ड वेरी वेल, सो ऑल हैप्पी फॉर हिम. वेल मुझे तो लाइक मैंने बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं था प्रोमो या कुछ भी, तो इट वॉज अ कम्प्लीट सरप्राइज फॉर मी एंड आई लव्ड इट. लाइक द मोमेंट द सॉन्ग स्टार्टेड मैं खो गई, लाइक इतने अच्छे दोस्त हैं वो मेरे, लेकिन यू नो इनका कैरेक्टर लाइक जो था उनकी केमिस्ट्री इनका डांस एक्सप्रेशन अमेजिंग, जस्ट माय गॉड आई लव यू कम मेरा हीरो. हाँ सॉरी वेल वो विलेन है लेकिन वो शो में भी तो प्यार में ही है ना. नहीं लेकिन क्या है वो असली में इतना प्यारा इंसान है, लाइक ही नोज हाउ मच आई लव हिम, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. सो इट्स नाइस कि एक एक्टर को ये सब मौके मिलते रहे और वो एक्सपेरिमेंट करते रहे एंड यू नो आई विश हिम अ लॉट ऑफ सक्सेस. वेल ऑनेस्टली मैं अभी थोड़ा 2-3 साल से टीवी में नहीं हूँ, एवरी वन नोज दैट. मैंने लास्ट ईयर वेब सीरीज़ की थी कश्मकश, फिर उसके बाद हम लॉकडाउन में चले गए. सो अब मैं लाइक मैंने कुछ और भी किया है वेब में जो बहुत जल्दी आने वाला है एंड देर आर फ्यू अदर प्रोजेक्ट्स विच आर अबाउट टू स्टार्ट बिकॉज ऑब्वियसली इतने टाइम तो कुछ हो ही नहीं रहा था एंड एज माई फैंस नो दे ऑल सी मी ऑन इंस्टाग्राम एवरी डे बिकॉज ब्लॉगिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, सो आई एम क्वाइट बिजी इन दैट ऑल्सो थोड़ा बहुत. हुज़ माई फेवरेट, एक्चुअली आई लाइक शमिता, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड मच्योर वुमन, सो आई प्रीटी मच लाइक हर. एंड राकेश तो ऑब्वियसली दोस्त है, सो आई मीन बेचारा सॉफ्ट हार्टेड है, अभी तक गेम समझ नहीं पा रहा, ही इज़ नॉट लाइंग, वो जेन्युइनली ऐसा ही है. सो लेकिन मैं रियली लाइक हिम. आई डोंट नो, वो तो मैंने आप लोगों से ही सुना, मुझे नहीं पता. ओके आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं है सो आई कैन कमेंट. वेल एज आई सेड मैं अभी ज़्यादा वेब में ही दिखूँगी आपको या इंस्टा पे ही दिखूँगी बिकॉज आई एम रियली एन्जॉइंग माई प्रोफेशन एज अ ब्लॉगर. आई वॉन्ट टू डू वेब बिकॉज यू नो उसमें बहुत अलग कॉन्टेंट या अलग रोल्स करने को मिलते हैं. सो आई हैव शॉट समथिंग, इट्स अ स्मॉल थिंग विथ डायरेक्टर कुणाल कोहली, तो वो भी जल्दी आएगा.
आई थिंक होपफुली इसी साल आ जाएगा एंड देन प्रे फॉर मी दैट आई गेट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मोर वर्क. या थैंक यू. बहुत ही प्यारा सॉन्ग है एंड आई लव्ड इट. जब मैंने पहली बार सुना था तो मैंने तभी संजय को बोल दिया था कि संजय आई थिंक यू शुड डू दिस सॉन्ग, क्योंकि मीनवाइल हमें बहुत सारे सॉन्ग्स ऑफर हो रहे थे और हम लोग सुन के ऐसे रिजेक्ट करते थे कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसमें ये है, कुछ ना कुछ. बट व्हेन वी हर्ड दिस सॉन्ग एंड आई टोल्ड हिम लाइक यू शुड डू इट, क्योंकि आजकल हार्ट ब्रेक सॉन्ग बहुत ज़्यादा इन है और लोग बहुत जल्दी कनेक्ट करते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिल टूटा ही होता है. आई एम श्योर आप सबका भी टूटा ही होगा एक बार तो. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस सॉन्ग से. सो आई टोल्ड यू लाइक यू शुड डू इट विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट एंड सेड ओके फाइन इफ यू आर श्योर देन आई एम गोना डू इट. एंड आई रियली लव दिस सॉन्ग. सॉन्ग के जो लिरिक्स हैं, जिस तरीके से स्तव्य ने गाया है, जो उसका म्यूजिक है, ब्रिलियंट. एडवाइस नहीं यार कुछ नहीं. आई थिंक ही इज़ परफेक्ट और बहुत अच्छा काम कर रहा है. इनफैक्ट कुंडली भाग्य में भी ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. और अभी म्यूजिक वीडियो में भी मैंने देख के मैं थोड़ा शॉक हो गई कि वाओ समथिंग डिफरेंट यू डिड एंड इट्स रियली लुकिंग नाइस ऑन यू. यू हैव नेवर ट्राइड थोड़ा सा रोमांटिक, तो ही इज़ वेरी रोमांटिक इन रियल लाइफ. बट इसने ऑन स्क्रीन भी बहुत अच्छे से किया, सो आई एम ग्लैड ही डिड रियली वेल. शादी बहुत रियली अभी तो वैसे कुछ प्लान नहीं है. बट सो बेसिकली हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं. वी वर प्लानिंग टू गेट मैरिड लाइक इन 2020 or 2019 बट दिस पेंडेमिक हैपेंड एंड इट गॉट पोस्टपोन्ड. सो वी आर प्लानिंग दिस ईयर ओनली. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस. अगर थर्ड वेव नहीं आती है और पेंडेमिक नहीं होता है, सो मोस्टली नवंबर और दिसंबर विल गेट मैरिड. थैंक यू.